आज यहाँ होता बट सावित्री पूजा आ ई पूजा मेहरारू लोग अपना मरद अपना दूल्हा अपना सोना बाबू सला लंबा उम्र खातिर करेला लोग जैसे कि करवा चौथ होकेला। अब देख काका भेल बताओ तनि। हेलो त आज बट सावित्री पूजा रहलक त एमे पूजा में होकेला कथी कि मेहरारू मरद के हरदम बिना आगत रही आ गोर धोए के सिस्टम होकेला। हम तो कहूँ भगवान ऐसन परब हो जाओ कि हमनी के गोर धोआओ आ ओकरा बाद बिना आकेला मिलो। आवा लोगन देखा लोगन अब गोर धोआई हमर आ ओकरा बाद बिना आकाई सब देखाओ त चलिए देखिए देख लगन गोर धोता दिखाइए इधर अपना फेस कैसा महसूस हो रहा है गोर धो आए धोइए और हर दम धोते रहिएगा ना। मतलब वहाँ बोला है लोग कि हाँ पंडित जी बोले हैं कि हर दम धोना चाहिए पति को परमेश्वर मानना चाहिए। हो गया देखिए ये हो गया अभी देखिए पूछ रही हैं अपने साड़ी से पूछा गोर तो करिया बा गोर में हाँ तब ठीक है गोर ना लगे के पड़े। चलिए देख लो अगर भाई बिना दफिन हो गए आज देख किया इसमें पानी कहाँ से आ गया पानी में छिटा आ रहा है अच्छा एसी बना दिया है पंखा जो चलो देख लो ना आते रहिए दो तीन दिन तक लगातार हो गया। अच्छा ठीक है अभी गर्म लगेगा तो कभी गर्म पंखा ऑन कीजिएगा चलो प्रणाम कीजिए देखा सदा सुहागन रहिए आमो के चोभा मारे के पड़ता है आमो खाए के प्रसादी क्या हो जाता है खिलाइए हम भी खिलाए नहीं ना सब खिया दो ना ना दूसरा के ना खिलाऊं सब खा जा तू आज इतना चढ़ाव रहती तो सब खा लेती बाय चांस ना तोरा खाई दोसर को प्रसादी है ना खाए के नहीं बनाई ले पनीर तो सब खाली तो तंग धरा हो गया अरे ए पानी का एक गिलास ले लो पानी भी दीदी ले लेंगे बाकी का ठीक है हम पास से ना चलिए ठीक है हो गया आम में बाद में ना आम चुप में मना मत फिर आम तुम खाए पंजी खा ना बड़ा नहीं खाएगा आ फूले करे वो आमो छोड़ में लोगो खाए ऊपर से गाड़ी है ले चोहा मार के खा चोहा चोहा हो गए नियम हो गए खा के पेटो भर गए। बट सावित्री कथा में मतलब पूजा में
ये सब होके ला बस।